प्रदेश मुरजापुर से बिलोंग करता हूँ। और बात की जाए दोस्तों, अगर थोड़ा सा अपने बारे में, क्योंकि ऑलरेडी पहले बोल दिया है, सिर्फ ओनली फॉर 2 मिनट मिलेगा, तो 2 मिनट में साथ अगर परिचय बताऊंगा तो वो भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैं यूपी उत्तर प्रदेश हूँ, और बात करें अगर अपने बारे में, तो मैं दोस्तों आज मेरे गाँव में कोई भी एडमिट नहीं है, कोई नहीं है मेरे पूरे गाँव में, कोई नहीं दोस्त। साथ ही साथ मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ, सिर्फ 4 क्लास में था तभी से दोस्तों। सूरत जैसे कंपनी में, सूरत में दोस्तों काम कर रहा था उस टाइम पे, और काम करते करते दोस्तों कहीं ना कहीं एक नेशनल लिस्ट देखने का मौका मिला था पहली बार लाइफ में, मात्र 16 साल की उम्र में। होने पर मात्र 16 साल की उम्र में दोस्तों हमें को मौका मिला कि मैं भी जाकर कुछ नेटवर्क इंडस्ट्री देखूं। तो जब मैं पहली बार गया दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं। जब बैठे बैठे दोस्तों वहां पे मैंने जब टाइम दिया तो घर से परेशानी शुरू, क्योंकि दोस्तों घर का अगर बात करूं तो घर का बड़ा लड़का मैं ही हूं, सारी डिपेंडेंट मेरे ऊपर है दोस्तों, सारी डिपेंडेंट मेरे ऊपर। अगर मैं कहीं पैसे ना कमाऊं तो घर की हालात बहुत खराब हो जाएगी दोस्त, बहुत बहुत खराब हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों हमने पैसे कमाना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग में। फिर दोस्तों साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोस्त कुछ टीम स्ट्रीम होता था कि शायद टीम धोखा दे जाती है, टीम टूट जाती है। इसके लिए दोस्तों वहां से भी हताशा मिला, जिंदगी में बहुत सारा रिएक्शन हुआ। फाइनली दोस्त हमें यूटेक जैसी प्लेटफॉर्म देखने का और समझने का मौका मिला हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मिसाल थे मिस्टर देवेश शुक्ला जी द्वारा, जिनके द्वारा दोस्तों मैंने बिजनेस देखा और इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आज से कुछ महीना पहले मैंने इस बिजनेस को देखा था और समझा था दोस्तों, जब कहते हैं ना कि जब भगवान को देने वाला होता है ना तो सबसे पहले चीज होता है परीक्षा। याद है दोस्तों, सबके साथ परीक्षा आना है, सबको परीक्षा देना है दोस्त, क्योंकि बिना परीक्षा दिए कोई पास नहीं हो सकता है, बिना परीक्षा दिए कोई पास नहीं सकता दोस्तों। और मैंने भी जिंदगी में जब यूटेक में दोस्तों परीक्षा मेरा हो गया शुरू, परीक्षा हो गया शुरू दोस्तों। जैसे ही मैंने ब्रॉन्ज बना दिक्कत आनी शुरू हुई, लोगों का धोखा मिलना शुरू हुआ, लोगों की परेशानी झेलना शुरू हुआ, सारी चीजें पे दिक्कत में दिक्कत, परेशानी परेशानी मिलना शुरू हुआ दोस्तों। उसके बाद फरवरी महीना दोस्तों मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि फरवरी महीना वो दिन था जब मेरा दोस्त, जब मैं खुद सिल्वर बनने वाला था दोस्त। फरवरी महीने में सोचा सिल्वर निकाल लूंगा हर हाल में। उस टाइम पे दोस्तों पापा की मेरी इतना खराब कंडीशन हुआ कि अब तो गए, सारे लोग उनमें छा गए कि अब चले जाएंगे, नहीं बच पाएंगे दोस्त, सेम डेट। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज ऊपर वाला देना होता है दोस्तों, और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमने दोस्त अपने आप को संभाला। हमारे गुरु देवेश सर बात के बोले सोनाखन गाँव सर, मैंने बोला सर मैं लखनऊ में हूँ, पापा को लेके भर्ती हूँ दोस्तों। वहां पे मैंने फरवरी में ही मैंने पापा को ट्रीटमेंट कराया, अल्लाह ईश्वर गौर का हुआ कि वो फिर से सही से चलना शुरू कर दिए, चलना जाना जाना शुरू कर दिए दोस्तों। मैं उसी में अपना सिल्वर प्रमोशन निकाल लिया था दोस्तों। सिल्वर प्रमोशन निकालने के बाद फिर से अब मैं सोचा गोल्ड बनूं, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आना शुरू हुआ दोस्त। मैं अगले महीना कसम लिया, ड्रीम लिया, जो कि इससे पहले महीना जुलाई वाला महीना गया था दोस्तों, मैं सोचा था जुलाई में अपना गोल्ड, लेकिन दोस्त जुलाई में गोल्ड क्वालिफाई करने के लिए मेरे पास फिर से एक बार फिर से भगवान को इच्छा लिया दोस्तों। लेकिन तब मैंने भी नहीं हारा, देवेश ने फोन किया, सुना इस महीने गोल्ड बनना, हमका पक्का बनेंगे दोस्त, पक्का बनेंगे गुरु जी, हर हाथ में बनना है तो बनना है गोल्ड। लेकिन कहते हैं ना कि जो किया तो सोचा वो पूरा नहीं पाया, फिर से मैंने प्रॉब्लम पे झेली दोस्तों। पिछले महीना फिर से मेरे पापा की दिक्कत थी और उनको लेके मैं 20 दिन हॉस्पिटल में जयपुर में SDMH हॉस्पिटल में वहां पे भर्ती था, 20 दिन लगातार वहीं पे मैं ट्रीटमेंट करा रहा था दोस्तों, जयपुर SDMH हॉस्पिटल में, और वहीं से ट्रीटमेंट कराते कराते प्रमोशन दोस्तों छूट गया था। लेकिन तब से गोवा का विनिंग मिला कि साहब आपको गोवा जाना है लेकिन गोल्ड बन के जाना है, ऐसे नहीं जाऊंगा दोस्त, कुछ भी हो जाएगा, गोवा जाना है तो गोल्ड बन के जाना है। मैंने सेफ्टी सर को भी फोन किया 1 तारीख को कि सर मेरा गोल्ड का प्रमोशन, इसके लिए प्रमोशन निकल गया। सर से मैंने फिर से एक बार कमेंट में लिया कि सर गोवा देखोगे तो गोल्ड में जरूर आऊंगा, 100% श्योर है कि गोल्ड बन के आऊंगा। और मैं सबसे बहुत भाग्यशाली हूँ अपने चारों डायरेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके वजह से आज दोस्त हम और हमारी पूरी टीम आज दोस्तों में गोल्ड बन के स्टेज पर चढ़ा हूँ। और ये सबसे ज्यादा श्रेय हमारे हम मेरे गुरु मिस्टर देवेश सर जाता है। सो थैंक यू लीडर, थैंक यू सो मच।